इतने इतने से जानवर के 240 जानवर इस साइड तो खत्म हो गए, अब आगे जाना पड़ेगा यार, क्या करें, मजबूरी हो रही है। जितना था तुमने निकाल दिया है, अभी जितने अभी बस ये जानवर थे और निकलने की मंडी खत्म हो गई है, उसके बाद जो है ये व्यापारी जो है ना वो समझ में नहीं आ रहे हैं लोगों के, 25,000 मांग रहे हैं इसके, जो 80,000 के ले गए 70 के ले गए, अभी महंगे कर दिए जानवर जो है ना, जो 60,000 वाला है वो 1,20,000 बोल रहे हैं, 1,40,000 बोल रहे हैं, जानवर मिल नहीं रहा है, कम हो गया इस वक्त मंडी के अंदर। नखरे छोड़ो, पैसे बोलो, रस्सी खोलो, कल है कुर्बानी, मनपसंद जानवर ना मिलने की परेशानी, कहीं सौदा बन गया तो कहीं अब भी तकरार जारी। कराची की मवेशी मंडी तकरीबन खाली हो गई, बड़ा जानवर बिक गया, छोटे जानवर रह गए। एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी में इस बार लाखों जानवर बिके, तकरीबन 8 अरब का कारोबार हो चुका। मुल्क की दीगर मवेशी मंडियों में भी भावताव जारी। फैसलाबाद की मंडी में सुल्तान और डॉन की धूम, दादू में कान बैल के चर्चे। कोयटा की मवेशी मंडी में पहाड़ी और बर्बरी बकरे तवज्जो का मरकज। लाहौर में 80,000 के दुम्बे कजला ने मेला लूट लिया। बहुत मोहब्बत है, मैं रोल पराठा सैंडविचेस खाती हूँ, वो मैं अपनी गाय को भी खिलाती हूँ। इसका नाम है चार्ली, ये मेरा दोस्त था, मैं इसकी दोस्त हूँ। कल इन लोग ने अल्लाह ताला के पास से चले, मुझे बहुत दुख होगा, पहले अपना बकरा किसी को नहीं देना। मवेशी मंडियों के बाद मवेशी गलियां आबाद, कुर्बानी से पहले आखिरी दिन बच्चों ने जानवरों के साथ भरपूर दिन गुजारा। रात भी जागेंगे मवेशियों की देखभाल में मगन बच्चे, मोबाइल फोन भी भूल गए, जानवरों को घुमाने फिराने खिलाने पिलाने के जतन। कराची में बच्चे नए वैरायटी ले आए, चारा सैंडविच और रोल मुतारिफ करा दिया। मुल्तान में बच्चे जानवरों की खातिर मदारत में मसरूफ हैं। शेखुपुरा में बच्चे कैटल फार्म पहुंच गए, कहते हैं अपना बकरा किसी को नहीं देंगे। फैसलाबाद के बच्चे कहते हैं बैलों को 1 महीना पाला है, अब कुर्बान करने का दिल नहीं कर रहा। जो हमारे घर में कोई जानवर आते हैं उसके कुर्बान करने के लिए, उन्हें ज़िबा करने के लिए पहले से दाल लगवाते हैं। जानवर को ज़िबा करने वाली छुरी से लेकर छोटी बोटियां करने वाले चांद तक हर किस्म का तेज धार आला तैयार। छुरियां धार लगाकर चमक गई, बस सुबह होने का इंतजार। जानवर को घास वास खिलाकर तगड़ा किया, अब मसाले लगाने की है बारी। खवातीन ने मसाले खरीद दिए, 3 दिनों की लिस्ट भी तैयार कर ली। الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر خليجي رياستون يوروب أمريكا और कई अफ्रीकी मुल्कों में ईद उल अजहा आज मनाई जा रही है। मक्का और मदीना मुनव्वरा में नमाज ईद के रूप पर इज्तम, लाखों अफराद ने मस्जिद उल हराम और मस्जिद नबी में नमाज ईद अदा की। फलस्तीन में मस्जिद अक्सा में नमाज ईद का बड़ा इज्तम हुआ। इस्तंबुल की आया सूफिया मस्जिद में भी नमाज ईद का इज्तम, नमाज के बाद सुन्नत इब्राहिमी अदा की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दुनिया भर के मुसलमानों और ओवरसीज पाकिस्तानियों को ईद की मुबारकबाद, कहा ईद समाजी इक्तिसादी अदम मसावात कम करके इत्तेहाद को फरोग देने का नाम है। ईद उल अज़हा हमदर्दी और अल्लाह के सामने सर तस्लीम खम करने के जज्बात पैदा करती है। लाखों हुजाज कराम मनासिक हज की अदायगी में मसरूफ, बड़े शैतान को कंकरियां मारने, कुर्बानी करने और सर मुंडवाने के बाद अहराम खोल दिए। मस्जिद उल हराम में तवाफ जियारत के बाद मिना लौटेंगे, मजीद 2 दिन कयाम के दौरान रमी करेंगे। गुज़श्ता रात हुजाज ने मुज़दलिफा में खुले आसमान तले कयाम किया। मिसाक जमहूरियत के बाद ग्रैंड चार्टर के तहत मिसाक मईशत पर भी इत्तेफाक का इम्कान,
जराए के मुताबिक नून लीग और पीपी मिसाक की मईशत के अक्सर नुकात पर मुत्तफिक हो गए। नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, मरियम नवाज, बिलावल की मुलाकात में मिसाक की मईशत पर गुफ्तगू हुई। ग्रैंड चार्टर के तहत आइंदा इंतखाबात के बाद भी इत्तेहादी हुकूमत होगी। पीपी रहनुमा ने कहा मुआशी बेहतरी के लिए एक दूसरे की सियासी हिमायत की जरूरत होगी। बीएनपी का हंगामी इजलास, वफाकी हुकूमत से अलहदगी पर गौर। बलूचिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल पर तश्वीश और बलूचिस्तान के मसाइल और वफाकी हुकूमत की बेजा मुदाखलत पर मायूसी का इजहार। गैस का अपने कुओं का सर्कुलर डेट सिफर कर दिया, एलएनजी का भी जो सर्कुलर डेट है उसको खत्म करते जाए। सस्ता तेल का भी इंतजाम कर दिया, रूस का तेल की दूसरी शिपमेंट पाकिस्तान पहुंच गई। नई पॉलिसी लेकर आए हैं जिसका नाम है बॉन्डेड वेयर हाउस। तेल की जखीरा अंदोजी रोकने के लिए अहम पेशरफ, इक्तिसादी राबता कमेटी ने कस्टम्स बॉन्डेड स्टोरेज पॉलिसी की मंजूरी दे दी। इंटरनेशनल ऑयल सप्लायर्स को सरमायाकारी में सहूलियात फराहम की जाएंगी। सप्लायर्स बंदरगाहों के करीब पेट्रोलियम मसनूआत स्टॉक कर सकेंगे। वजीर मुमलिकत मुसद्दिक मलिक कहते हैं जखीरा अंदोजों के खिलाफ तरीकाकार लाए हैं। पेट्रोलियम का कानूनी काम करने वाले अपना स्टोरेज बना सकते हैं। 10 माह में गैस के कुओं का सर्कुलर डेट सिफर कर दिया, जल्द एलएनजी का गर्दशी कर्जा भी सिफर कर देंगे। आजरबाईजान से हर माह सस्ती गैस का एक जहाज आएगा, रूस से सस्ता तेल पाकिस्तान आता रहेगा। बाजौर के इलाके इनायत कले में कमांडर शाफी समेत 3 दहशतगर्द हलाक, हथियार और गोलियां बरामद। आईएसपीआर के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने खुफिया इतला पर ऑपरेशन किया, इस दौरान फायरिंग के तबादले में दहशतगर्द मारे गए। तीरा में इंटेलिजेंस बुनियादों पर सिक्योरिटी फोर्सेज का ऑपरेशन, 1 दहशतगर्द हलाक, 3 जख्मी। हलाक दहशतगर्द से हथियार और गोलियां बरामद। डेढ़ बजे डीएचए गाजी रोड के कोल लतीफ खोसे के घर जी फायरिंग हुई है, मैं की मेरे नाल काशिक हुंदा सी, बाइक ते असी दो जने हैगे सां। जुबैर न्याजी ने फायरिंग करन दा मैनूं कहा सी। मारूफ कानूनदान लतीफ खोसा के घर पर फायरिंग करने वाला मुलजिम गिरफ्तार, पुलिस हिरासत में मोहसिन उर्फ लंबा का एतराफ़ जुर्म। कहा फायरिंग सियासी जमात के रहनुमा जुबैर न्याजी के कहने पर की। मुआवजा 10 लाख रुपए तय हुआ, 1 लाख रुपए एडवांस लिए, बाकी रकम नहीं मिली। डीआईजी इन्वेस्टिगेशन का कहना है गिरफ्तार शूटर मोहसिन उर्फ लंबा पेशावर मुलजिम है। मुलजिम के मुताबिक इसको एतजाज अहसन के घर भी फायरिंग करना थी। इन तमाम वाकयात की पुरजोर मजम्मत करता हूँ और मुतालबा करता हूँ कि इसकी शफाफ और गैर जानबदाराना तहकीकात करके इसमें मुलव्वस अनासर को इबरत का निशान बनाया जाए। पीटीआई कराची के सदर और साबिक एमएनए अकरम चीमा का पार्टी छोड़ने का ऐलान। 9 मई के वाकयात की मजम्मत, शफाफ तहकीकात और मुलव्वस अनासर को निशान इबरत बनाने का मुतालबा। एनए 124 से उम्मीदवार वसीम अख्तर रामे ने भी पीटीआई को खैरबाद कह दिया। साबिक एमपीए चौधरी अदनान ने भी पीटीआई छोड़ दी। करप्शन केस में गिरफ्तार पीटीआई रहनुमा अली मोहम्मद खान को जेल भेजने का हुक्म। मर्दान में ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने एंटी करप्शन हुक्काम की 14 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। गुज़श्ता हुकूमत ने पीआईए से मुतालिक गैर जिम्मेदाराना बयान दिए, एयरलाइन को अरबों रुपए का नुकसान हुआ, कौमी एयरलाइन खसारे से निकलने की इस्तदाद रखती है। वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं कौमी एयरलाइन को खसारे से निकालने के लिए इस्लाहात नागुजीर है। वजीर आजम ने कौमी एयरलाइन की तंजीम नौ, इस्लाहात और बहाली के लिए वजीर खजाना की सरबराही में कमेटी बना दी। वजीर आजम को तुर्की के सदर रजब तैयब उर्दवान का टेलीफोन, दोनों ने एक दूसरे को ईद उल अजहा की मुबारकबाद पेश की। वजीर आजम ने तकरीब हलफबरदारी में मदू करने पर उर्दवान का शुक्रिया अदा किया। मुआशी, दिफाई और दीगर शोबों में बाहमी इश्तराक बढ़ाने के अजम का इरादा किया गया।
ये क्राइम नो डाउट एक इशू है सिंध के अर्बन एरियाज के लिए, खासतौर पर कराची के लिए। हमारा जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसमें काफी सारे प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से बेनिफिट चला जाता है क्रिमिनल के पास। यही रिपीट क्रिमिनल्स हैं, जेल जाते हैं फिर आते हैं वारदात करते हैं। जो एविडेंस कलेक्शन में प्रॉब्लम आती है, हम टेक्नोलॉजी में थोड़ा सा पीछे। आईजी सिंध ने शहर कायद में स्ट्रीट क्राइम्स का जिम्मेदार मुल्की क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को करार दे दिया। खुसूसी गुफ्तगू में कहा, हम टेक्नोलॉजी में पीछे हैं, जिसका फायदा मुल्जिमान को होता है। मुल्जिमान गिरफ्तार होते हैं, आजाद होकर फिर वारदातें करते हैं। शहर में इस वक्त 2200 कैमरे लगे हैं और सारे चल रहे हैं। पैमरा को खत लिखा है कि वारदात की सीसीटीवी फुटेजेस नशर होने पर पाबंदी आयद की जाए। पहले डाकुओं ने गोली मारी, फिर अस्पताल अमले की गफलत ने मार दिया। कराची में डाकुओं के हाथों कत्ल अमीन अलवी के भाई तारिक अलवी ने अस्पताल इंतजामिया को भी मौत का जिम्मेदार ठहरा दिया। कहा, मेरा भाई तड़पता रहा, खून बहता रहा। अब्बासी शहीद अस्पताल में नर्स ने कहा, कत्ल का केस है, इंतजार करें, 15 मिनट के बाद भाई चल बसे। अमीन अलवी हर ईद पर गरीब बच्चों की इमदाद के लिए कैनेडा से पाकिस्तान आते थे। बटखेला में दामाद ने पूरा ससुराल उजाड़ दिया। चार खवातीन और चार बच्चों समेत 9 अफराद की जान ले ली। बीवी की नाराजगी पर भाई और बाप के हमराह ससुराल जाकर अंधाधुंध फायरिंग की। तीनों मुल्जिमान गिरफ्तार, एतराफ जुर्म भी कर लिया। नसीराबाद में तूफानी बारिशों के बाद दरिया लहरी में तुफियानी, सैलाबी रेले के बायस सैफुल्ला डैम टूट गया। रेला नसीराबाद के इलाके रबी केनाल की जानेब रवा दवा, मुतादिद देहात जेरे आब आने का खदशा, इंतजामिया को अलर्ट जारी। स्वाबी में बारिश के बायस मकान की छत गिर गई, मलबे तले दबकर 2 बच्चियां जां बहक, 6 अफराद जख्मी हो गए। पीसीबी ने मुबैना बेजाब्त किया, हुकूमत का नजम सेठी दौर का खसूसी ऑडिट करवाने का फैसला। ऑडिटर जनरल पाकिस्तान को खत लिख दिया। कहा, 22 दिसंबर 2022 से 20 जून 2023 का बिला ताखीर ऑडिट किया जाए। ऑडिट हुकाम आरजी मैनेजमेंट कमेटी अरकान को मराहत का भी जायजा लेंगे। हुकूमत को गैर जरूरी अखराजात पर मुतादिद शिकायत मिली थी। मुबैना करेंसी स्मगलिंग, गुलकार राहत फत अली खान के खिलाफ तहकीकात का आगाज। एफआईए ने असासों की तफसीलात जमा कर ली। एफबीआर ने एफआईए को राहत फतेह की आमदन और जाहिर असासों का रिकॉर्ड भिजवाया। गोशवारों और वेल्थ स्टेटमेंट की नकुल फराहम की। इस मुल्क वास्ते तू कुर्बान होया, नौकरी करन गया, शहीदों के घर आया। मई को जो वाकया हुआ है, शहीदों की बेहुर्द की गई है, उनकी तस्वीरों को आग तक लगा दी गई है। इस बात से मेरा हुकूमत पाकिस्तान से ये मुतालबा है कि उनको सख्त सख्त सजा दी जाए। शहदाए पाकिस्तान को कौम का सलाम। सिपाही उमर हयात ने 20 मई 2023 को रघुनगढ़ कोयटा में जामे शहादत नोश किया। सिपाही उमर हयात शहीद के सोगवारान में वालिदा, 2 भाई और 3 बहनें शामिल। वरिसा का 9 मई को शहफसंदी करने वालों को सख्त सजा देने का मुतालबा। वालिदा का कहना है, शहदा की तस्वीरें जलाने वालों को सख्त सजा दी जाए। मोदी के राज में मुसलमानों पर हिंदुस्तान की जमीन तंग। महाराष्ट्र में गांव रक्षा के नाम पर गुंडा गर्दी। इंतहा पसंदों ने तशद्दुद करके अफनान अंसारी को कत्ल और साथी को जख्मी कर दिया। दर्दनाक वाक्य पर मोदी हुकूमत की बेहिसी, चुप साध ली। पुलिस खामोश तमाशाई।
हिंदू इंतहा पसंदों ने 2019 में 44 और 2021 में 50 मुसलमानों को कत्ल किया। रवा साल फरवरी में हरियाणा में इंतहा पसंदों ने 2 मुसलमानों को तशद्दुद करके कत्ल किया था। मगरब इस्लाम दुश्मनी से बाज नहीं आया। स्वीडन में मस्जिद के सामने एहतजाज के दौरान कुरान पाक की बेहरमती की कोशिश। ईद पर मुसलमानों के जज्बात मजरूह करने की इजाजत स्वीडन की अदालत और पुलिस ने दी। इश्तियाल अंगेज हरकत पुलिस की सरपरस्ती में की गई। पेरिस में पुलिस ने कार सवार नौजवान को गोली मार दी। 17 साल का अलजजायर का नौजवान मौके पर ही दम तोड़ गया। पुलिस ने दावा किया कि ड्राइवर ने उन्हें कुचलने की कोशिश की। वाकई की वीडियो ने पुलिस का मौकफ झुटला दिया। मुश्तइल अफराद का पुलिस के खिलाफ एहतजाज, कई गाड़ियों को आग लगा दी। पुलिस ने 9 मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया। लॉर्ड्स टेस्ट के दौरान मौसमियाती तब्दीली के खिलाफ मुजाहिरीन ने ग्राउंड में धापा बोल दिया। पिच खराब करने की कोशिश ग्राउंड अमले ने नाकाम बना दी। इंग्लिश विकेटकीपर जॉनी बेरिस्टो एहतजाज करने वाले एक शख्स को उठाकर ग्राउंड के बाहर छोड़ कर आए। इशू की बात किया, जहां मैच होगा वहां खेलना है पाकिस्तान में, खत्म होगी बात। अननेसेसरी स्ट्रेस, अननेसेसरी चीजें कि अहमदाबाद में नहीं खेलेंगे तो वहां खेलेंगे। पाकिस्तानी प्लेयर से पूछो, दे डोंट केयर। आई एम ऑल फॉर ईगोस। अगर आपकी ईगो है, अगर आप समझते हैं ये गलत हो रहा है तो बोलें, बट अगेन मूव ऑन। मैन पाकिस्तान वर्ल्ड कप के वेन्यू को इशू ना बनाए, मैच जीत कर आए। साबिक कप्तान वसीम अकरम कहते हैं खिलाड़ियों को कहें खेलने में कोई मसला नहीं। क्रिकेट बोर्ड गैर जरूरी दबाव और बातों पर तवज्जो ना दे। सियासत करना हुकूमत का काम है, इन्हें करने दें, अपना मजाक ना बनवाएं। पहला वजह क्योंकि मैं भी इसके लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, सुनते आए जो भी खुतबा नमाज और दुआएं और खुले आसमान के नीचे इंसान ने अभी तक का सफर है जो कि बहुत ही यू नो सब्लाइम किस्म से पोलाइटली गुजरा है। बाबर आजम मोहम्मद रिजवान समेत कौमी क्रिकेटर्स ने फरीजाए हज अदा कर लिया। बाबर आजम फहीम अशरफ और फखर जमान की हाजियों के साथ मुजल्फा में खुले आसमान तले आराम करने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। अहमद शहजादी वालिदा के साथ हज करने सऊदी अरब में मौजूद हैं। कहते हैं ये मेरा पहला हज है, अब तक का सफर बेहतरीन रहा, अपनी कौम और तमाम मुसलमानों के लिए दुआएं। बाबर जो है ना वो इस तरह के हैं, बड़े नाप तोल के बोलते हैं, कम गो हैं। मतलब मैंने लिटरली देखा है सारे क्रिकेटर्स बड़ा कहीं होते हैं डिनर पे इनवाइटेड, बड़े एंजॉय कर होते हैं। अब बाबर अपना टाइम देखते हैं बस घड़ी में 11 बजे और शी इज आउट। हाइट तो चलो एक बात हो गई है, लेकिन कुछ लोगों की पर्सनैलिटी इतनी बड़ी होती है कि फिर बाकी सब चीजें नीचे रहती हैं। अदाकारा और मॉडल सोनिया हुसैन ने कौमी क्रिकेट कप्तान बाबर आजम की तारीफों के पुल बांध दिए। एआरवाई न्यूज के खसूसी शो में कहा बाबर अच्छे बच्चे हैं, कम गो हैं, नाप तोल कर बोलते हैं, रात को ज्यादा देर बाहर भी नहीं रहते। क्रिकेटर हारिस रो ईद के बाद मजीद खुशियां मनाएंगे, शादी करके दुल्हनिया घर लाएंगे। एआरवाई न्यूज के खसूसी ईद शो में हारिस ने फैंस को खुशखबरी सुना दी। मोहब्बत तो जहन में क्या कुछ नहीं आता। बाखबर सवेरा ईद स्पेशल में ईद मुबारक। कपल जो है इनके आपस में केमिस्ट्री बन जाती है, नहीं आपको शक्लें मिलने लगी हैं। और बड़ी ईद की बड़ी नशरियात सिर्फ एआरवाई न्यूज पर। खुशियां दोबाला करने के लिए ईद के तीनों दिन देखिए खसूसी प्रोग्राम। नामवर फनकारों, गुलूकारों, खिलाड़ियों, लिखारियों की खट्टी मीठी बातें, दिलचस्प सवालात की अलगार, सुर बिखेरेंगे हर दिल अजीज फनकार। तफरी से भरपूर नशरियात के लिए जुड़े रहें एआरवाई न्यूज के साथ। पहले रोज अदाकार आमिर खान की शरारतें, अंदर मकसूद की मजे मजे की बातें, दूसरे रोज बहरोज सब्जवारी और उनकी अहलिया की होशियारियां, बाखबर सवेरा में फनकारों का मेला, अदाकार नबील की हंसी से भरपूर गुफ्तगू। ईद स्पेशल में दूसरे रोज देखिए जावेद नियादात की सुनहरी यादें। हेडलाइंस आपने जानी, मजीद खबरों को भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन इस